नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफ़ी आप लोगों के प्रश्न थे जो वन दरोगा है उसके एलिजिबिलिटी से लेकर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे आप लोगों के मन में काफ़ी प्रश्न थे कि क्या एक साल जो भी या दो साल पढ़ा हो वह एलिजिबल होगा कि नहीं। जो भी सब्जेक्ट आपका दिया गया है अहर्ता में वो एक साल या दो साल पढ़ने वाले ग्रेजुएशन में अहार्य होंगे कि नहीं। तो इस पर हम लोगों ने अभी वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि हमें कन्फर्म नहीं था। जब हम आयोग गए, आयोग पे बच्चों से पूछवाया कि क्या है क्या नहीं वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो हमें जो पता चला उस तब लेकर मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ कि वहाँ पर सिर्फ एक बात बोली जा रही है कि जो बीएससी किया हुआ है, एजी है, पीसीबी या पीसीएम ग्रुप से है, ठीक है, और बीटेक करने वाले बच्चे जो हैं और जो आपका पशु चिकित्सा में अगर किए हैं तो उन वही एलिजिबल हैं। बस इतना जवाब आपको मिल रहा है। लेकिन क्या कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, जैसे प्रश्न वीडियो पे काफ़ी आए थे, जैसे पहला ही यही था कि बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, ठीक है, क्योंकि बीबीए बीसीए वाले भी बच्चे बोल रहे हैं सर हमने मैथ्स पढ़ा है, स्टैटिक्स पढ़ा है, तो क्या हम एलिजिबल होंगे। बीए में भी कोई इन्वायरमेंट पढ़ा है, कोई स्टैटिक्स पढ़ा है, तो क्या वह एलिजिबल होगा। अब इन सभी सवालों का जवाब ये है कि भैया सिंपल सा कि बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लो कि बीए, बीसीए, बीकॉम वाले जितने भी हैं और बीबीए वाले ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बीसीए वाले ये सोच रहे होंगे कि सर हमने स्टैटिक्स पढ़ा, मैथ पढ़ा, हर चीज पढ़ा, फिर क्यों नहीं भर सकते हैं। देखिए, आपका प्रोफेशनल जो है डिग्री है और प्रोफेशनल डिग्री वालों के लिए अहर्ता में अगर मैं बात करूं, यहां पर देखो साफ साफ लिखा क्या है अहर्ता में कि यहां पर आपको अभियांत्रिकी में स्नातक मतलब बीटेक को तो लिख दिया है लेकिन किसी और को नहीं लिखा, ना ही बीसीए को लिखा है ना ही बीबीए को लिखा है। ठीक है, अगर उसको करना होता तो ये भी नहीं लिखता, बीटेक वालों को भी नहीं लिखता एलिजिबल। उसने अलग से बीटेक वालों को डाल दिया और पशु चिकित्सा विज्ञान को डाल दिया। ठीक है, बाकी इसमें क्या लिखा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो नोटिफिकेशन ही आपको बोल रहा है, वो बोल रहा है कोई भी अभ्यर्थी भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से दो या अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि, मतलब दो विषय के साथ आपकी स्नातक उपाधि होनी चाहिए, मतलब तीनों साल आपका दो विषय होना चाहिए। ठीक है, इनमें से आपका कोई भी दो विषय तीनों साल होना चाहिए तभी आपको उस विषय में स्नातक उपाधि मिलेगी। ठीक, अगर आप एक साल पढ़ के छोड़ दियो, दो साल पढ़ के छोड़ दियो उस सब्जेक्ट को तो आपके साथ दिक्कत है, यह ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद से बोला अथवा इन सबका होने के बाद अभियांत्रिक मतलब बीटेक वाले और यहां पशु चिकित्सा विज्ञान वाले उनके लिए अलग से यह लाइन जोड़ दी गई है। तो बीसीए वाले भी अगर होना होता, उनको करना होता तो वो बीसीए चाहे बीबीए और भी प्रोफेशनल कोर्स को यहां पर जरूर बोलते, लेकिन यहां पर नहीं बोला गया है, इसलिए आप कोई भी एलिजिबल नहीं हो। सिंपल सी भाषा में हम बात करें तो पीसीबी और पीसीएम और एग्रीकल्चर से अगर बीएससी किया है कोई, एग्रीकल्चर वाला जो बीएससी वाला है वो आपका एलिजिबल होगा। ठीक है, इस ग्रुप वाले आपके कहीं ना कहीं एलिजिबल होंगे। बीएससी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले हैं, जो और भी इनमें से सब्जेक्ट उनका दो साल रहा, जो तीन साल रहा होगा जिसमें उनको स्नातक उपाधि मिली है वो जो है आपके एलिजिबल होंगे, वहां से यही हमें जवाब मिला है। ठीक है, बाकी बीटेक आप लोग कह रहे थे कि सर क्या बीटेक के सभी ट्रेड, हाँ बीटेक के ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं है, आप बीटेक सीएस, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जिससे भी हो आप भर सकते हो। अब जब ट्रेड वाला आ गया तो आप बीएससी वाले बोल रहे हैं सर क्या हम बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, आप बीएससी कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले फॉर्म नहीं भर सकते हो। कुछ बच्चे बीएससी ऑनर्स वाले हैं तो ऑनर्स में क्या होता है कि शायद सिंगल एक सब्जेक्ट का होता है, अगर आपके साथ पास तीनों डिग्रियां हैं, तीनों मतलब दो सब्जेक्ट में है बीएससी वाला, तब तो आप भर सकते हो, अदरवाइज मुश्किल है। ठीक है, यही ये वाला जवाब तो आपको मिल गया कि दो विषय हमने दो साल पढ़ा है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे तो आपके अगर बीकॉम वाले हो गए, चाहे आपके बीकॉम वाले आपके बीबीए वाले हो गए, बीसीए वाले हो गए, इनके साथ भी ऐसा रहा है तो नहीं, आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, आपको उस सब्जेक्ट के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है, जो आपका इसमें से सब्जेक्ट दिया गया है। चलो, आप कुछ बच्चों का ये भी था कि सर बीटेक को अलाउ किया है तो क्या पॉलिटेक्निक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? देखो, जब न्यूनतम अर्हता आपकी क्या है, ग्रेजुएशन है, और पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है, आपका डिप्लोमा कोर्स है, तो आप कैसे कह सकते हो कि पॉलिटेक्निक भर सकता है? बीटेक वाले एलिजिबल है, इसका मतलब नहीं कि पॉलिटेक्निक वाले भी एलिजिबल होंगे, तो ये तो कभी भी एलिजिबल नहीं होंगे, पॉलिटेक्निक तो कभी नहीं। अब ये मेन है कि कौन से बच्चे इसकी तैयारी करें। देखो, एकदम शॉर्ट है कि आयोग ने जो आंसर दिया कि भैया आप बीएससी किए हो वही एलिजिबल हो सकते हो, सिंपल सा शॉर्ट टर्म में बोला गया है, बीएससी बीटेक और पशु चिकित्सा वाले ही एलिजिबल हैं, पीसीएम और पीसीबी वाले। तो यहां पर एक बात देखो दो कि क्या होगी पीईटी की कट ऑफ, मतलब इसकी क्या आपकी एक तरह से कट ऑफ जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि जिसके भी थोड़ा सा सब्जेक्ट क्राइटेरिया लग गया है, नहीं तो 97-96 जाता, तो आप 94 से 95% आपका बन रहा है, ठीक है, वो अपनी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अगर कट ऑफ का इंतजार करोगे तो 1 महीना, एग्जाम के 1 महीना पहले वो कट ऑफ देगा। आप इतिहास उठा के देख लो, चाहे वो लेखपाल हुआ हो चाहे किसी भी लोअर का हुआ हो, उसमें आपका यही किया गया है। अच्छा, तैयारी कहां से करें, कुछ बच्चों का ये भी है। देखिए, अभी सिलेबस भी नहीं आपको पता है कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ा जाए, ठीक है, लेकिन जैसा वन रक्षक था उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इसका भी सिलेबस होगा, लेकिन कुछ चीजें तो UP SSC में कॉमन है, आप सभी जानते हो, जैसे हिंदी तो पूछेगा पूछेगा आपसे, ठीक है, हिंदी पूछेगा, उसके बाद से रीजनिंग आपके हर उसमें पूछता ही पूछता है, तो ये रीजनिंग तो रहेगा रहेगा, हिंदी रीजनिंग रहेगा, और GS को भी कहीं ना कहीं ये रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि इतने वैरायटी के सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट का पेपर तो नहीं होगा ना, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट है, किसके किसके पेपर कराएंगे, तो इसीलिए GS रहना अनिवार्य, ये 3 सब्जेक्ट तो आपका रहना ही रहना है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन वैरी कर सकता है, लेकिन सब्जेक्ट यही रहेगा, जो टॉपिक जो सिलेबस है UP SSC का वही रहेगा। तो इसके लिए परीक्षा प्लस बैच लेकर आई है, जो अभी ऑफर प्राइस में 599 में है, जिसमें आपको पूरा नोट्स दिया जाएगा, ठीक है, और वीडियो क्लास दिया जाएगा लाइव आपका, ठीक है, ये पूरा का पूरा नोट्स रहेगा, वीडियो क्लास और टेस्ट सीरीज और सेक्शनल टेस्ट, और सेक्शनल टेस्ट भी आपका उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सब इसमें है, आप जिसको भी एडमिशन लेना है आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करो, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और वहां पे आप जाके रजिस्टर करिए, वहीं से आप पेमेंट करके कोर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिनको भी लग रहा है कि नहीं ये वैकेंसी हमारे लिए है, और उस परसेंटाइल पर जो मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 94 से 95 के बीच में आप अगर बिलोंग कर रहे हो, तो आप एकदम 100% सोचो कि हाँ मुझे इस फॉर्म को भरना है और इस एग्जाम को देना है, क्योंकि पोस्ट अच्छे खासे हैं, ऐसा नहीं कि कम पोस्ट है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और भी कोई अगर आपका डाउट है, जो भी आपके इससे रिलेटेड डाउट था, अर्हता से रिलेटेड, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या कौन से एलिजिबल हो सकते, नहीं सिंपल सी भाषा में बात किया जाए तो सिर्फ बीएससी वाले इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है, और बीटेक वाले एलिजिबल हैं। ठीक, तो अगर और कोई भी आपका डाउट है, दिक्कत है, समस्या है, वो आप इस वीडियो के कमेंट में शेयर कर सकते हैं। जो लोग बच्चे जो हैं चैनल पर नए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।